वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपू शीतल होए। कबीर जी का ये दोहा सुना है आपने? जिन्होंने नहीं सुना तो उसका मतलब मैं आपको आज समझा दूं कि कबीर जी ने ये बड़ा प्यारा दोहा लिखा था और जिसका मतलब ये है कि आप अपनी वाणी में, अपने शब्दों में ऐसी मिठास को पैदा कीजिए कि जब आप वो शब्द या आपकी जो टोन है वो इतनी मीठी हो कि आप खुद जब किसी से वो बात कहेंगे तो उन्हें भी अच्छा लगे और आपको तो कह के अच्छा लगना ही चाहिए। पर हम इसे कितने लोग इसे अपनी लाइफ में अप्लाई करते हैं? शायद कुछ ही। कुछ ही लोग हमारी लाइफ में ऐसे हैं जिन्हें सुनकर हमें सच में बहुत मजा आता है। क्यों? क्योंकि हमें एक पॉजिटिविटी उनसे मिलती है। पर आप कहेंगे कि हम तो ऐसा नेगेटिव किसी से भी बात नहीं करते, ऐसा रूड किसी से भी बात नहीं करते, ये तो मैनर्स के खिलाफ है। बट अब मैं आपको कुछ इंस्टेंसेस ऐसे बताऊंगी जो शायद आपके साथ हुए हों या आपने फेस किए हों या फिर आपने लोगों को अपने आमने सामने करते देखा हो। हम लोग सब शॉपिंग के लिए जाते हैं, मॉल्स में जाते हैं, मूवीज़ के लिए जाते हैं, अपनी जब हम किसी भी पब्लिक प्लेस पे जा रहे हों जहाँ पर चेकिंग होती है तो जो सिक्योरिटी स्टाफ होता है हम उन पे यूजुअली कभी कभी भड़क जाते हैं ये कहकर। मान लीजिए इतना सा पर्स आप कैरी कर रहे हो और आप कहेंगे इसे भी चेक करेंगे क्या आप, इसमें क्या रखा होगा, कहते हैं ना। उसके बाद आप ये सोचिए कि कुछ भी हो, जितनी स्पीड की, अरे भैया जल्दी करो मेरी मूवी निकल रही है। आप सोचिए आप अंदर 3 घंटे लगाने वाले हैं, आप किसी रेस्टोरेंट में गए हैं, आप अंदर 1.5 से 2 घंटे खाने में बिताएंगे, आप उन पर जो है वो हम भड़क जाते हैं या पेशेंस लूज कर जाते हैं जिन लोगों के ऊपर एक्चुअली हम सबकी सिक्योरिटी निर्भर है। कोई वेपन या कुछ भी वो जो इंसान अपने पर्स में या अपने साथ कैरी कर रहा हो जो आगे हमें तंग कर सकता है, तो अगर हम उन्हें 5 मिनट तसल्ली से अपनी चेकिंग करने देंगे तो क्या नुकसान है। अब आप कहेंगे कि ये बात सही है, बट आप देखो मॉल्स में भी जब हम जाते हैं तो इतनी लंबी क्यू होती है एंड एवरीबडी, नो वन हैज़ पेशेंस। आप वो भी फटाफट जो है वो चेक करते हैं और आपको आगे जाने देते हैं और आप पूछते भी हैं कितनी बार कि सिर्फ हो गया, ऐसे चेक किया, हो गया। क्यों? क्योंकि आप जैसे कितने लोगों ने उन्हें मौका ही नहीं दिया कि वो अपनी ढंग से ड्यूटी कर सकें और उस रश को हैंडल करने के लिए भी उतना स्टाफ एम्प्लॉयड नहीं है, है ना। हम सबके घर मेड्स रखी होती हैं, आप सोचिए हम क्या कहते हैं, अरे इसके पीछे से नहीं लगाया। इमेजिन हमारे घर में ऑलरेडी 4 या 5 लोग हैं और उनके सामने हम अपनी मेड को कहते हैं कि तुम ढंग से काम नहीं करती हो, तुम जो है वो यहाँ से हटा के नहीं लगाया तुमने, तुम्हें तुम लेट आई हो, तुम ये आई हो, तुम ये आप मुझे ये बताइए क्या ऐसा ही बिहेवियर अगर हमारे बॉस का हो तो हमें अच्छा लगेगा कि हमारी पूरी टीम के सामने या हमारे सीनियर्स के सामने या जो जिन्होंने मुझे एम्प्लॉय किया है उनके सामने कोई मुझे मेरा सीनियर ही ये बात कह दे कि आप सही से काम नहीं करते हो, आप आज लेट आए हो, आप आज ये किया है। तो जो कमियां आप सोचिए अपने ऊपर अप्लाई करके हमें अच्छी नहीं लगती तो हम अपनी मेड को, किसी डोमेस्टिक हेल्प को वो सब बातें कैसे कह सकते हैं, है ना। तीसरी बात, कभी बिल भरने जाते हैं हम लोग मूवी हॉल में जाते हैं, अपनी मूवीज़ की टिकट्स ले रहे होते हैं, अचानक से लाइट चली गई सिस्टम, या फिर वो कहता है कि सर सिस्टम डाउन है, पेमेंट मैं कार्ड से नहीं ले सकता, क्या आप कैश कर पाएंगे। अरे ये क्या सिस्टम है, तुम्हारे कार्ड ही नहीं चलते, आप जो है हमेशा बिल भरने गए हैं, तो मैं जब भी बिल भरने आता हूँ आप सबका सिस्टम जो है वो डाउन रहता है। अपनी लाइफ पर अप्लाई करके ज़रूर देखिएगा कि जहाँ पे लेयर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होती है ना, अब वो सिस्टम चेंज करना उस इंसान के हाथ में नहीं है, वो भी शायद अपने बॉस को रिक्वायरमेंट देता होगा, उसके बॉस जो है वो उसके बॉस को दिया होगा, उसके बॉस ने उसके बॉस को दिया होगा, फिर कहीं जाके उसके सिस्टम को अपग्रेड किया जाएगा या वो सिस्टम चेंज किया जाएगा। पर हम क्या करते हैं, क्योंकि फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट वो इंसान है, उसने बड़ी गलती करी कि वो नौकरी वहाँ ली है, क्यों, इसीलिए वो हमारा गुस्सा, हम अपना गुस्सा जो है, अपनी फ्रस्ट्रेशन उसके ऊपर वेंट आउट कर देते हैं कि अरे भैया मेरी मूवी निकले जा रही है, इमेजिन। लेकिन उस इंसान का क्या कसूर, ही हैज़ अ क्यू टू हैंडल। अब कितनी जगह ऐसा होता है कि हम कुछ सामान घर से, और हम खाने के लिए हमने कुछ सामान ऑर्डर किया और आपके घर कोई सामान देने आया, वो डिलीवर करने आया है, और हम कहेंगे अरे चेंज क्यों नहीं लेके आए, मैंने तो कहा था। सो वी नीड टू थिंक कि वो अब सिर्फ अपनी जॉब कर रहे हैं, उनके हाथ में वो चीज़ें नहीं हैं कि वो अपनी कैपेसिटी के बियॉन्ड जाके, उनको ना उनके पास ऐसी शक्तियां हैं कि वो ये चीज़ ऑलरेडी अंडरस्टैंड कर लें कि आपको इस चीज़ की तकलीफ हो रही है। तो वो तकलीफ जो है, हाउ वुड समबडी वॉन्ट कि उसका कस्टमर सर्विस एक्सपीरियंस बुरा हो,
कोई नहीं चाहेगा ना, पर हमें अपनी पेशेंस को नहीं खोना चाहिए। अपने शब्दों का चुनाव बहुत केयरफुली कीजिएगा। कितनी बार ऐसा होता है, मैंने खुद देखा है, इनफैक्ट मैंने भी किया होगा बहुत बार। ऐसा नहीं है कि कोई भी इंसान परफेक्ट हो, लेकिन अब जब भी मैं खुद करती हूँ ऐसी चीज़, तो मुझे ये ध्यान में आ जाता है कि ये इसका कसूर नहीं है और मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। हम लोग ऑनलाइन सामान ऑर्डर करते हैं, अब वो कुरियर बॉय, सोचिए, सिर्फ आप ही के घर तो सामान देने नहीं आए, वो कितने घरों में जाते हैं सामान देने के लिए। तो वो सामान जब वो डिलीवर करने आते हैं और हम सोचते हैं भैया संडे के दिन सुबह 8 बजे कौन आता है, या यू नो दोपहर को मेरे बच्चों के सोने का वक्त है, आप दोपहर को कैसे आ सकते हैं? दोपहर को आप बेल बजाते हो, नींद, हम सबकी नींद खराब हो जाती है, या सुबह आओ या शाम को आओ, कहते हैं ना हम। पर क्या आप ही का घर है जहाँ वो चीज़ें डिलीवर करने आए हैं? बिल्कुल नहीं। उनके पास कितने घर हैं, उनके भी टारगेट्स हैं कि वो पूरे दिन में जो है वो यहाँ पे डिलीवर करने हैं, कि उन्हें ये चीज़ें जो है वो डिलीवर करनी है। जितना ज़्यादा डिलीवर करेंगे उतना ज़्यादा उनकी उनके काम में उनकी ग्रोथ होगी, होगी ना। तो इसलिए ध्यान रखिएगा कि अपने शब्दों का चुनाव बहुत केयरफुली कीजिए। क्यों? क्योंकि आप ये देखो कि आज हम एक अगर अच्छी नौकरी कर रहे हैं और हमारा बॉस हमें कुछ यू नो मिसबिहेव करता है, करते हैं, या हमें कुछ शब्द ऐसे कहते हैं कि जो हमें हिट कर जाते हैं, हमें बुरे लगते हैं सुनने में, तो दिल कहता है कि इन्हें ये हक किसने दिया कि ये मुझे जॉब से निकाल सकें, या मुझे इस तरीके से यू नो ऑफिस में जो है वो बुरा महसूस करा सकें, या मेरी इज्जत जो है कि यू नो मुझे इतना मेरे साथ मिसबिहेव किया है कि आई एम नॉट एबल टू फेस अदर पीपल, या मैं किसी से क्या कहूँ। तो जब हमारे साथ ऐसा हमें महसूस होता है, तो ऐसा क्यों है कि द पीपल हु आर नॉट एट आर स्टेटस, या हमसे नीचे हैं, ग्राउंड स्टाफ है या डोमेस्टिक हेल्प है, हम उनके साथ मिसबिहेव क्यों करते हैं? नॉट ओनली द पीपल हु आर एसोसिएटेड विद अस, मैंने बहुत एग्जाम्पल्स दिए कि सिक्योरिटी वाले हैं, यू नो सर्विंग हैं, जो सर्व करते हैं, एयर हॉस्टेसेस हैं, या कोई भी जहाँ पे कस्टमर सर्विस इन्वॉल्व है, हम अपनी पेशेंस उन लोगों के साथ क्यों लूज कर जाते हैं? ऐसा क्यों है कि हमें सब कुछ इमिजिएटली चाहिए? वो पेशेंस कहाँ गई? जहाँ कहते हैं कि सब्र का फल मीठा होता है, पर वो सब्र अब स्पेलिंग ही शायद उसकी रह गई है कि वो भी हम सही से उसको स्पेल नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम वो पेशेंस को खोए नहीं, बिकॉज हम अपनी नेक्स्ट जनरेशन को क्या सिखाएंगे। आजकल होता भी है कि पेरेंट्स बच्चों की पहली ख्वाहिश को ही पूरा करना चाहते हैं, कि जो बच्चे ने बस ख्वाहिश रख दी हम उसे पूरा कीजिए। बट ऐसा कहाँ हो गया, कहाँ चला गया वो टाइम जब, याद है हमारे बचपन में, आज भी एटलीस्ट मैं तो ये कहती हूँ कि वी हैव वन दीज थिंग्स, कि हमने ये चीज़ें अपने लिए अर्न करी हैं, हमने ये चीज़ें जीती थी। क्यों? क्योंकि हमें मेहनत करनी सिखाई जाती थी, और मेहनत करने के बाद उसका जो एफर्ट, जो रिजल्ट मिलता था ना, उसे एंजॉय करना सिखाया जाता था, तो वो एक सेलिब्रेशन होता था। अब हमें लगता है कि हमारे बच्चे जो हैं वो हमने लाइफ में ये चीज़ें स्ट्रगल करी हैं या करा है, तो ये ना करें, इन्हें हम हर चीज़ इनकी ज़रूरत से पूरा करें। पर ध्यान दीजिएगा कि वो बच्चे अपनी पेशेंस जो है वो नहीं रख पाएंगे। तो जैसे हम बिहेव कर रहे हैं ना, मेरे बेटे का जब स्कूल में जब उसका ओरिएंटेशन था, तो एक चीज़ बहुत सुंदर खूबसूरत उनके प्रिंसिपल ने कही कि आपके बच्चे, आप सिर्फ स्कूल में 2 से 3 घंटे हमारे पास भेजेंगे और हम इन्हें सिर्फ एकेडमिक्स पे वर्कआउट करेंगे, पर आपका बच्चा वो सीखता है जो वो सारा दिन आपको करते हुए देखता है। तो अगर आप अपने आसपास वाले लोगों के साथ मिसबिहेव करते हैं, या आपकी टोन जो है वो रूड होती है, तो वो भी यही सीखेंगे कि शायद इन लोगों से ऐसे ही बात की जाती है। ड्राइवर्स के साथ, अपने ड्राइवर्स के साथ हम क्या करते हैं कि वो मान लीजिए कहीं अचानक से जो है वो कार बैंग होने वाली थी, या उसने स्पीड करा, उसने ओवरटेक करा, और हम कहेंगे ध्यान कहाँ है तुम्हारा? क्यों? आपको ये नहीं पता कि आपके साथ कार में वो भी तो हैं, उनकी लाइफ भी तो उतनी ही इम्पॉर्टेंट है, और जबकि गाड़ी उनके हाथ में है, वो क्यों चाहेंगे कि कोई एक्सीडेंट हो, कोई हादसा हो जहाँ उनकी आपकी जान के साथ साथ उनकी जान को भी खतरा हो, और अगर गाड़ी को कुछ हो जाए तो उनकी नौकरी पे बात आ सकती है? नहीं ना, कोई इंसान नहीं चाहेगा कि उसका अर्निंग सोर्स जो है वो ख़त्म हो जाए। तो अगर ऐसा है, तो सिर्फ मीठा बोलने से कभी भी अपने आसपास वाले लोगों को अगर आप ये पूछेंगे आप कैसे हैं, घर पे सब कैसे हैं, एक स्माइल आपके फेस पर होगी जब आप उन्हें वेलकम कर रहे हैं, एक खुशी
कि जो आप आ गए हैं, कि उनसे आप मिलकर आपको हुई है, अगर उनको आप ये चीज़ कहेंगे तो ट्रस्ट मी, उनका दिन आप बना देते हैं. आप उनका दिन, यू नो, यू समरी व्हेन यू से दैट यू हैव मेड माय डे, सो यू एक्चुअली आर मेकिंग अ लॉट ऑफ पीपल्स डे. और वो जो स्माइल है वो आपके लिए, आपको भी पूरे दिन जो है वो एनर्जेटिक रखेगी. सो इसलिए कोशिश कीजिए कि जब भी किसी से बात करें अपनी वाणी को मीठा रखिए. और ये सब बातें सिर्फ सुनने के लिए या कहने के लिए नहीं है, अप्लाई तो आप और मैं मिलकर ही करेंगे. तो अगर आपके पास भी कोई ऐसे एक्सपीरियंसेस हैं, डू राइट इट टू अस. और अगर इस वीडियो को सुनने के बाद कोई स्माइल आप ले किसी के फेस पर लेके आते हैं तो हमें ज़रूर लिखिएगा, बिकॉज मुझे पढ़कर बहुत अच्छा लगेगा कि यू ट्राइड दिस समवेयर एंड इट हैज़ हेल्प्ड समबडी एंड यू एज वेल. बिकॉज आई एम श्योर कि ये जो स्माइल है ना, इट्स वेरी इन्फेक्शियस. मैंने पहले भी कहा है कि आप किसी के चेहरे पर स्माइल देखेंगे, आपके चेहरे पर स्माइल आएगी. और ट्रस्ट मी, ये जब स्माइल्स हम एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करेंगे, लाइफ में प्रॉब्लम्स बहुत कम होंगी, मूड बहुत कम खराब होगा, मुंह से जो शब्द है ना वो मीठे ही निकलेंगे. एंड दैट इज़ व्हाट माय एम इज़, कि हम मुस्कुराकर एक दूसरे से बात करें. सो इसलिए कोशिश कीजिएगा कि इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा तो ज़रूर इसे शेयर करना मत भूलना, बिकॉज वी वॉन्ट टू स्प्रेड दिस स्माइल टू अ लॉट ऑफ पीपल. एंड टिल देन टेक केयर. आई विल बी वेटिंग फॉर योर मैसेजेस कि किस किस ने किसी के चेहरे पर आज स्माइल लाई और कैसा लगा उनसे ये एक्सपीरियंस अपना शेयर करके. ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ प्लेजेंट डे.